गुड मॉर्निंग दोस्तों, आगे हम अपने रूटीन की तरफ। रूटीन हो रहा है हमारा झाड़ू से। देखिए, झाड़ू मार रही थी मैं, झाड़ू मारते मारते मैं सीढ़ी पे आई तो तन्नू मेरी भी शूटिंग कर रहा है। अभी इसकी ऑनलाइन क्लास है, पता नहीं कितनी कितनी देर करेगा ये शूटिंग मेरी। तो मैं झाड़ू मार रही थी तो ये नीचे से कर रहा था शूटिंग। देखिए अभी है ना, झाड़ू सीढ़ी में मारना पड़ता है क्योंकि इसमें ना एकदम डस्ट जम जाता है तो पता ही नहीं चलता। हर रोज़ हर बार ऐसे ही होता है इसमें। और क्या, अच्छी तरह झाड़ू मार दो ना एक बार सुबह में उठ के तो बहुत अच्छा रहता है पूरा दिन। मतलब थोड़ा थोड़ा ही मारा तो चलता है, लेकिन मॉर्निंग में एक बार डीप क्लीन तो होना ही चाहिए। ये तो मैं करती ही हूँ। और देखिए अभी है ना, यहाँ पे भी रात को भी झाड़ू मार के सोई थी ना, इतना सारा कचरा पता नहीं कहाँ से आता है। ये लोग क्या करते हैं, तो सब लोग मतलब बच्चे हैं क्या करते हैं पता नहीं चलता। सबके घर में ही ऐसा होता होगा नहीं। और देखिए सोफे हटाओ, उसके नीचे एक बार तो इधर करना ही पड़ता है। और सामान रखा होता है ना उसके नीचे, इतना डिफिकल्ट होता है ना करना हर रोज़ कि साफ़ करो साफ़ करो, अंदर घुसो साफ़ करो, पर करना पड़ता है। वो भी अभी गंदा अच्छा नहीं लगता है ना, तो वो भी उसके नीचे डाइनिंग टेबल है ना, उसके नीचे भी चेयर हटा हटा के करना पड़ता है। एक तो वहाँ पे एकदम हमने अभी उस तरफ रखा है ना, तो थोड़ा नीचे बैठ के झुकना पड़ता है उसमें, तो भी सफाई हो जाती है तो भी अच्छा रहता है। और क्या, अपने आप सफाई करते रहो ना, अपना काम करते रहो तो अपना भी अच्छा रहता है। बोले फीवर है, मुझे अभी फीवर भी आ रखा है 2 दिन से, ऐसे ही चल रहा है मेरा भी। पर मैंने सोचा कि कर लेती हूँ सफाई। और क्या, भाई यहाँ पूजा कर रहा है, उसका रूटीन है रोज़ का पूजा करने का। तो नू चला गया था ऑनलाइन क्लास, तो मैं ना झाड़ू वाड़ू सब कर दिया था मैंने। पोछा लगाने आई थी तो उसमें तन्नू भी आया, मैं पोछा मारने लगी थी तो उन्होंने बोला लाओ मैं कर देता हूँ। मैंने कहा ठीक है कर दे। और क्या, वैसे ही मैंने पहले वीडियो उतारने से पहले मैंने घर का आज मैंने सारा सामान वगैरह ठीक करके रख दिया था। उसके बाद मैं झाड़ू लगाने लगी थी, पूरा क्लीन कर दिया था। वैसे तो मैंने थोड़ा बहुत जितना हो सका था मुझसे, बाकी झाड़ू लगाते लगाते जो हुआ था वो किया। और सीढ़ी में तो क्या है, ऊपर नीचे दोनों साइड करना पड़ता है। ब्लैक मार्बल है ना, तो अगर नीचे करेंगे तो ऊपर इसके छींटे जाते हैं, तो ऊपर और भी वो गंदा दिखता है। तो मैं वही देख रही थी कहीं ऊपर अभी गंदा तो नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे भी सोफा हटा के भी पोछा मारो अंदर जाके। पोछा तो मारना ही पड़ता है, मच्छर हो जाते हैं वरना, और गंदा भी लगता है। जब तक तो अपना साफ़ नहीं होता अपना मन भी नहीं मानता कि हमने साफ़ किया है नहीं किया है। एक बार अच्छी तरह हो जाए तो अपना भी मन, मतलब एकदम से अजीब सी फीलिंग आती है कि अच्छी सी फीलिंग आती है कि हाँ हमने साफ़ है, सफाई कर दी अच्छी तरह से। और आजकल तनु की मम्मी, अंश की मम्मी घर पे थी ना, तो वो खाना वगैरह वो बना लेती थी, तो मेरा यही काम होता था झाड़ू पोछे का। तो आज तो वो भी ऑफिस गई है, तो दाल दाल बना के गई या सब्जी बना के गई वो मैंने देखा नहीं, लेकिन चावल मुझे बनाना था तो मैंने गरम गरम चावल भी चढ़ा दिया था साथ साथ में, पोछा लगाने के साथ साथ। तो मैंने चावल वगैरह चढ़ा दिया था, पालक वगैरह काट दिया था, सब्जी खानी थी पालक की तो वो भी मैंने काट दी थी। तो मैंने कहा मैं मेरा रूटीन चालू करती हूँ तो तब तक वो भी काम हो जाएगा और खाना भी बन जाएगा, तो दोनों काम साथ में हो गया था। तो पोछा लगाने का थोड़ा लंबा चौड़ा हमारा शेड्यूल होता है पूरा, और नीचे रूम से लेके बाहर बाहर कंपाउंड तक लगाना ही पड़ता है पोछा। और नहीं तो है ना बाहर धूल है ना, वो देखा ही होगा आपने, हमारे घर के आगे ग्राउंड है, हवा चलती है तो बहुत धूल आ जाती है रूम के अंदर भी बाहर भी। तो पोछा मारने में भी बहुत थोड़ा टाइम लग जाता है, झाड़ू मारने में भी आधा। तो मैं ना डस्ट है ना झाड़ू से हटा देती हूँ, झाड़ू लगाते लगाते मेरा पूरा हो जाता है। जैसे ये खिड़की विंडो के सामने ये भी ब्लैक है ना, तो भी वाइट हो जाता है डस्ट से। यहाँ पे तनिष दिखा रहा था कि हमारा एक फूल उगा है वाइट कलर का, तो दिख नहीं रहा था, बाहर की साइड दिख रहा है तो दिखा रहा था मुझे कि देखो देखो यहाँ पे आया है। मैंने कहा हाँ कल भी आया था एक रेड कलर का, बहुत अच्छा लग रहा था, पर मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, मुझे फीवर था तो मैंने सोचा कल बनाऊंगी, तो आज तो मुरझा गया वो। तो यहाँ पे भी देखिए अभी बाकी है मेरा, हो गया, ये गैलरी भी मेरी हो गई है। और धूप कितना अच्छा है, देखिए आप मौसम तो देखिए। रिकॉर्ड, तू क्या कर रहा है, कहाँ? हाँ, डेढ़ बजे शाम, डेढ़ बजे शाम, साढ़े पांच बजे। तनिष का फ्रेंड आया था, तनिष को बुलाने के लिए, कब आएगा था तनिष? छोटे ही बच्चे हैं ना वो, तनिष और अंश बड़े हैं इन सबसे। तो तनिष उसके साथ मजाक कर रहा था कि दिन में 1:30 बजे, वो बोला 1:30 तो बज गया, कब आएगा? तो देखो शाम को जाएगा वो, खेलने के लिए उनका टाइम है ही शाम को जाने का, क्योंकि शाम को टिकते नहीं उनके पैर घर पे। एक बार तो जाना ही चाहिए ना बच्चों को खेलने के लिए, तो भी क्या करेंगे घर पे बैठे बैठे, वो भी बोर हो जाते हैं। तो हम अपने साथ उनको क्यों बोर करें, हम कहते जाओ घूम के आओ खेल के आओ, अच्छा है। वैसे भी वो मॉर्निंग में आजकल जाते हैं 5:30-6 बजे। हेलो,
नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और आई होप आप अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज का मेरा रूटीन पूरा, मतलब काम पूरा हो गया है। टाइम हो गया 12:30, झाड़ू पोछा सब हो गया है। अब खाने की तैयारी, खाना भी बन चुका है सुबह में। अब हम खाना खाने जा रहे हैं, तो उसके बाद मैं आपको अपना रूटीन शेयर करूँगी दूसरा वाला। मैंने नहा लिया है, झाड़ू पोछा कर रहे थे, उसके बाद ही मैं नहाती हूँ। तो अभी नहा धो के आई हूँ, बस खाने की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। साथ में देखो मल्लू आया है, देखो मस्ती कर रहा है मल्लू। हाय हाय बोल दे, मतलब हाय बोल दे। मम्मी ने हाय बोल दिया, हाय बोल दे, मुझे हाई बोल दे। मतलब गोदी में क्यों नहीं आता बेटा? देख उसको नीचे जाना, वो अपनी मम्मी के गोदी में नहीं जाता। हाई बोल पहले, हाई बोल, हाई बोल तो, बोल बोल बा जय श्री कृष्णा, बोल तो बा जय श्री कृष्णा, बा जय श्री कृष्णा, मम्मी तो जय श्री कृष्णा कर दे, मम्मी जय श्री कृष्णा कर दे, बा को जय श्री कृष्णा कर दे, नमस्ते कर दे, बा को नमस्ते कर दे, नमस्ते। उसको अभी इतना नहीं बोलना है। अरे भाई फेंक मत देना, ये मेरी गोदी में आता ही नहीं है। वो अपनी मम्मी के ही गोदी में नहीं जाता, गिर जाया पीछे से। सब्जी खाने का मन कर रहा था ना, तो मैंने पालक जो है ना काटी, और है ना मैंने कैसे खा लेते दिन में, ऐसे तो बनाई हुई थी दाल। ये दाल बन रही, दाल बना रखी थी सुबह में। दाल नहीं है ये, आलू मटर की सब्जी है। और यहाँ पे मैंने चावल बनाया झाड़ू पोछा करते करते ही। और उसी टाइम पे मैंने है ना ये जो है पालक को काटा, तो मैंने कहा इसकी सब्जी बना देती हूँ थोड़ा सा प्याज डल के। और यहीं पर अंश ने छाछ निकाल दिए, छाछ बनाते बनाते कहाँ चला गया, ऐसे बोला था निक्कू नहीं निकालेगी, आज हम निकालेंगे छाछ। निकू क्यों नहीं निकालेगी? हमें इतनी इतनी देती है। क्यों पता नहीं, तुम नहीं पीते हो इसके लिए? या हम तो पीते, इतना बड़ा पैकेट आता तो भी उसमें इतनी सी देती है। एक ग्लास तो वो निकाल कर पीती है। ऐसा तो देखो ये ले जा रहा है। अब मम्मी को भी लगी है भूख। मल्लू चला गया, ये रहा मल्लू। मल्लू हाय, हाय, हाय मल्लू। ये देखो मल्लू स्कूल नहीं गया आज, तो जाकर भी आ गया मल्लू स्कूल नहीं, आज नहीं गया स्कूल, तो मल्लू आया है खेलने। तो आज मैंने कान के ही पहने हैं, मैं तो बहुत कम पहनती हूँ मैं, तो आज मुझे ऐसा लगा कि पहनना चाहिए, मन हो गया पहनने का, तो मैंने पहन लिया नहा के। और अब मैं नीचे का साफ कर दिया है, अभी ऊपर का देखती हूँ। अभी मुझे भी तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, कल भी मुझे फीवर था, तो मैंने कल कुछ नहीं करा, लेटी हुई थी पूरा दिन। तो आज भी ऐसा लग रहा था कि फीवर है, मगर है ना मैंने सोचा कि अगर लेटी रहूँगी तो फिर कुछ कर नहीं पाऊँगी, तो फिर मैंने कहा थोड़ा खड़े होते हैं। फिर मैंने झाड़ू पोछा किया, मन हो तो नहीं रहा था मगर कर दिया। मैंने कहा थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊँगी, अगर लेटी रहूँगी तो फिर लेटी रह जाऊँगी, तो मैंने कहा चलो कर लेती हूँ थोड़ा बहुत काम। और क्या है ना कि काम करते रहते ना तो फिर अच्छा रहता है अपने को, और थोड़ा सा फिर काम बंद कर दो ना तो फिर लेटे लेटे और भी फीवर आता है। तो मैंने सोचा कि चलो खड़े होकर देख लेती हूँ, अगर होता है तो कर लेती हूँ, नहीं होता है तो फिर नहीं करती हूँ। पर हो गया मेरा काम, हाँ तो सही, अभी कम है फीवर है मगर कम है। पता नहीं आजकल क्या हो गया है, ठंड लग रही है और ठंड लगते लगते फीवर आ रहा है। बेबी इसको छोड़ के आ जाएगा। ओए ठंड कौन जीता? तो मल्लू से भी हार गया। हारा नहीं, ये गर्दन में गुदगुदी कर रहा है। ये देखो मम्मी का कंबल भी नीचे डाल दिया। ये देखो बोल अंश, अंश बोल अचू, अचू बोल दे, मैंने बोल अचू, ए मैंने मैंने बोल अचू, तन्नू बोल तन्नू, तन्नू मतलब तन्नू, क्या बोल रहा है? तन्चू।
तो गाइस आगे हम अपनी किचन की तरफ, चाय वगैरह आज हो गई है, मिसिंग हो गया आज बताना, बता नहीं पाई। तो चाय वगैरह हमने सब पी लिया है, अब मैंने चचा डिनर की तैयारी कर देती हूँ। शाम के बज रहे हैं 5:15 और तो आज मेरे पास मकई पड़ी हुई है, ये देखिए। तो मैंने सोचा इसका क्या करेंगे, उबाल के खाएंगे या फिर क्या करेंगे, तो फिर मैंने सोचा इसका कुछ रेसिपी बना देती हूँ। रेसिपी बनाऊंगी तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, अगर बनाऊंगी तो सोच तो रही हूँ डिनर में आज यही बनाएंगे, तो इसका देखती हूँ क्या बनेगा, गुजराती आइटम तो बने रहिएगा, बताती हूँ मैं आपको। तनु जूते हाथ में पकड़ के क्यों ला रहा है, हो गया खेल पूरा, चुके गए हैं अपना बैडमिंटन खेलने। अभी वो कहाँ गए थे, गार्डन गए थे, थोड़ी देर बाद चल के आए, फिर उसके बाद उनका भी बैडमिंटन खेलने का टाइम है, तो मेरा भी कैमरा पकड़ने वाला कोई है नहीं, तो अभी कह रहे थे कि थोड़ी देर बाद आएंगे, तब तक किसी और से करवा ले। किससे करवाऊंगी, निकू पढ़ रही है, निकू की भी 10th है, तो उसकी एग्जाम चल रही है, तो पढ़ रही है, और तो कोई है नहीं, तो अभी देखती हूँ क्या करूँगी मैं। बनाने तो जाना था पर कैमरा कौन पकड़ेगा मेरा, वही प्रॉब्लम है मेरा, तो वो अभी नहीं आएंगे, उनका जब तक पूरा नहीं होगा ना तब तक नहीं आएंगे, क्योंकि अभी बच्चे भी आए ना उनके साथ खेलने, सुबह भी उसको बुला रहे थे वो गया नहीं, फिर दोपहर को बुलाने आए वो गया नहीं, फिर भी उनका टाइम फिक्स है अभी जाने का खेलने का, तो थोड़ा खेल कूद भी जरूरी होता है बच्चों के लिए, तो इसलिए हम उनको भेज देते हैं 6:30 तक, तो उसके पहले वो नहीं आएंगे अंदर। किचन में आ गए हम, तनु अंशु भी आ गए, तो तनु अंशु खेलने गए थे तो आ गए, काफ़ी देर हो गई, तब तक मैंने मकई वकई कद्दूकस करी थी, तो ये एक कटोरी मकई निकली थी कद्दूकस करके, और ये थोड़ी मैंने ऐसे रख दी है ये, और इसको मैं डाल देती हूँ इसमें, और जितना मैंने मकई लिया है ना एक कटोरी, इसी को भर के एक सूजी लेना है मुझे, वो मैंने इसमें इतनी मैंने सूजी रखी है, मीडियम सूजी है, मतलब पतली है सूजी, कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, एक कटोरी सूजी मैंने डाल दी है इसमें, ये देख, और इसके लिए मैंने वेजिटेबल भी रखा है, ये गाजर है, पत्ता गोभी है, हरी मिर्ची है, अदरक मैंने कद्दूकस करा था वो है, धनिया है, हरी धनिया, और ये मैंने लहसुन आप खाते हैं तो डालिए, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं, और अब मैं इसमें डाल दूँगी दही। मैंने दही डाल दी है, अब इसे दही डाल के हम इसे मिक्स करेंगे, लेट भी हो रहा है, थोड़ा जल्दी करना था, लेट भी हो गया है, अब थोड़ा इसमें हम पानी डालेंगे, जो मैंने दही लिया था ना उसी कटोरी से मैं पानी डाल रही हूँ, इसे हिलाएंगे, तरह से मिक्स कर दिया है, अभी मुझे वेजिटेबल डालना बाकी है, अभी हम इसे ना 15 मिनट के लिए इसको रख देंगे, ताकि इसमें आथा आ जाए, आथा मतलब वो जाली टाइप बनता है ना, उबाल जैसा आता है, तो 15 मिनट में इसे रख देंगे, 15 मिनट हो चुके हैं, मैं इसमें डाल देती हूँ गाजर, मैंने क्रश किया हुआ है कद्दूकस में अच्छे से, और ये हरी मिर्च आप जितना खाते इतना डालेंगे, हम इतनी खाते हैं हम इतनी डालेंगे, पत्ता गोभी, टाइल्स को भी खिलाने, अब हम इसमें डाल देंगे, ये मैंने अदरक पीस के रखा था कद्दूकस करके, अदरक
उसमें मैंने गाजर कद्दूकस किया ना, तो गाजर भी थोड़ा रह गया है उसमें। और ये मकई के दाने जो मैंने अलग से बचाए थे ना, वो भी इसमें डाल देंगे हम। साथ में लहसुन, हम लहसुन ज़्यादा खाते हैं ना, तो मैंने ज़्यादा करी है, नहीं खाते तो नहीं डालेंगे लहसुन। सर नमक डालेंगे, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, स्वाद अनुसार भी डालेंगे। इसमें डालेंगे हल्दी स्वाद के लिए, इसमें लाल मिर्ची डालेंगे, नहीं खाते हो तो ना डालिए। अब मैं इसमें एक पिंच जितना हींग डालेंगे, हींग। मैंने हरी मिर्च, हरी धनिया डाली थी ना काट के, ये डाल देंगे। इसमें जितनी सब्जी है ना उतनी डाल सकते हैं, मेरे पास इतनी पड़ी है मेरे पास। ये मैंने पालक नहीं डाली, मुझे तिल ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं, और इसमें तिल का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, बहुत यानी बहुत अच्छा अच्छा आता है। इतना अच्छा, इतना अच्छा कि ऐसा लगता है तिल ही डाल दी। मैं तिल डाल दे रही हूँ, और मैं हाथ बता देता हूँ, बता दिया मैंने हाथ। और अंश करेगा तनु, हाथ बताएगा। तो अभी इसमें लगता है थोड़ा पानी डालना, तो मैं थोड़ा पानी डाल देती हूँ। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है, और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है, और लेट हो गया खाना बनाने में, कब से कर रही थी। पर है ना, तनु अंशु चले गए थे बाहर खेलने के लिए। तनु अंशु के बिना कुछ नहीं होता, तनु अंशु बहुत मेन है। इनसे मुझे सामान भी मंगाना था, दही नहीं आया था, इसमें मेरा लेट हो गया, दही अभी आया है, नहीं तो मैंने कप की तैयारी कर दी थी। इतना ही ये चाहिए ताकि जल्दी से पक जाए अच्छा सा। और जो ये है ना, इसको हमें जितना बनाना है उतना हमको लेना है। जो हमने इनो लिया था ना, इनो मैं खा जाना नहीं है, इसमें डालना है इनो। अब इनो डाल दिया, देखो कैसा हो रहा है, कैसा हो रहा है। अब इनो के ऊपर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें, कि डालेंगे ये ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा ही डालेंगे, इसे हिलाएंगे, इसके झाग के साथ ये बनेगा। ये हम कढ़ाई में ऑयल डाल देंगे, तवे में मतलब। इसका कुकर भी आता है, पर कुकर है ना, कुकर से ज़्यादा पड़ गया लगता तेल है ना, चलेगा बट। तेरे सर में मैंने क्या रखा, देख क्या रखा बेटा। हाँ बेटा, जरा देख तो। त्रिशा भाई, त्रिशा भाई, ऑटोग्राफ नहीं मिलेगा, ऑटोग्राफ अभी। वो एक साइड तो पक गया है, दूसरी साइड भी पक गया है। इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, तनवा की रोटी। इसको बोलते हैं हांडवा, गुजराती में इसको बोलते हैं हांडवा। अच्छा मुझे लगा पड़ते हुए। हाय 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 हाय। अब हम इसे पलटेंगे, इसको पलटने में बहुत दिक्कत है, मैं क्या करूँ। कढ़ाई में भी बना सकते हैं इसको, तेल बैठा के। तब मैं इसमें तड़के का नहीं चाहता है ना, इसमें बहुत छींटे आ रहे हैं, इसमें तेल थोड़ा ज़्यादा ही चाहिए। प्रोसेस को दिखानी पड़ेगी ना, एक दो घंटे बना के दिखानी पड़ेगी, फिर मैं ऑन कर दूँगी। अब मैं इसमें डालूँगी राई, राई ज़्यादा ही चाहिए इसमें। मुझे दो में डालना है ना, तो एक कढ़ाई में डालना है और एक तवे में डालना है, तो मैं इतना लूँगी। करेंगे तिल डालेंगे, वापिस से नाम आ रहे मुझे, यहाँ पे वही प्रोसेस करा है मैंने। मेरा तो बन गया है, कैसे स्लाइड खाई थी। तो
थोड़ा सा मेरी गलती से टूटा है ये, बाकी बहुत अच्छा है। इतनी बड़ी गलती तो उन्होंने अपने बोर्ड एग्जाम में भी नहीं की होगी, है ना, जितनी आज कर दी। ये तोड़ा, ये ये लाल हो गया, तिल ब्राउन हो गया ना, अब इसमें हम ये डाल देंगे। मैं दो जगह बना रही हूँ क्योंकि जल्दी बनेगा ये। इसमें कुछ बहुत बड़ा रिस्क है, पर पलटे बिना ऐसे चलेगा भी नहीं। वापिस से लहसुन ना मारे, दूर हो, थोड़ा दूर हो। हे भगवान, हाँ ये अच्छा है, कढ़ाई में अच्छा बन रहा है। और थोड़ा ये पक ही रहा है क्योंकि वेजिटेबल डाला है ना इसमें मैंने, इसको पकने में थोड़ा सा टाइम चाहिए। और साथ ही ये हो चुका है हमारा, थोड़ा दूर खड़ा हो, नहीं थोड़ा दूर खड़ा हो, छीटा आएगा फिर बोलना मत। ये भी हमारा पक गया अच्छे से। पहला अच्छा नहीं बनता है, पहला खराब ही बनता है हमेशा। मैं इसे ढक देती हूँ। दूर अभी तन्नू इससे टेस्ट करेगा। तन्नू तूने कभी खाया है ये? खाया है। कितने बार? पर ये मकई का है, ऐसे तो इसमें आटा नहीं चावल और दाल डाल देते हैं। देखिए यहीं पे मैं पीसने की तैयारी करती हूँ, तब तक इसमें डालती हूँ मैं तेल। कढ़ाई में अच्छे बन रहे हैं इससे ज़्यादा तो। तो गाइस देखिए, बना तो दिया जैसे तैसे करके, 9:30 बज रहे हैं, कब से मैं इसकी तैयारी कर रही थी, पर दही की वजह से लेट हो गया। और देखो किचन की का क्या हालत हो गई, आज तो क्या करना पड़ेगा पता नहीं है, कितनी देर लगेगी किचन साफ करने में, दिख रहा होगा आपको। और अभी तो मेरा बाकी है बनाना, ये है बनाना अभी, और बहुत देर लग जाएगी। 9:30 तो वैसे ही हो गए, सबको भूख लग रही है, ऐसे मेरा खाना है ना 8:30 बजे तक रेडी हो जाता है, बट आज नहीं हुआ है। तो इसी के साथ ही मैं अपना ब्लॉग एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगर आपको मेरी रेसिपी, मेरा रूटीन, मेरा वीडियो आपको पसंद आता हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, और तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। तो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।